हेलो स्टूडेंट्स वेलकम बैक टू एस ट्यूटोरियल्स टुडे वी आर कंटिन्यूइंग आर सेकेंड चैप्टर फ्रॉम सिविक्स दैट इज़ इंडियाज़ फॉरेन पॉलिसी सो स्टूडेंट्स लास्ट लेक्चर में हमने इसका इंट्रोडक्शन पढ़ा था हमने ब्रीफली देखा था कि फॉरेन पॉलिसी का मतलब क्या होता है वी सॉ दैट के वर्ल्ड में आज के टाइम पर कोई भी कंट्री सेल्फ सफिशेंट नहीं है हर कंट्री को दूसरी कंट्री पर डिपेंड होना पड़ता है हम सब एक दूसरे के साथ ट्रेडिंग करते हैं इम्पोर्ट एक्सपोर्ट होता है सो इट इज़ इम्पोर्टेंट कि हर कंट्री को इससे बेनिफिट हो यूजुअली क्या होता है जो डेवलप्ड कंट्रीज है या जो रिच कंट्रीज़ है उनको इसका ज़्यादा बेनिफिट मिलता है सो so, ये बेनिफिट हर किसी के बीच में डिवाइड हो इसीलिए इट इज़ वेरी मच इम्पॉर्टेंट कि देर शुड बी अ फ्रेमवर्क देर शुड बी अ डॉक्यूमेंट जिस डॉक्यूमेंट में बताया हुआ होगा दैट कंट्रीज़ का आपस में रिलेशन कैसा होगा एंड ऐसे डॉक्यूमेंट को हम क्या कहते हैं ऐसे डॉक्यूमेंट को हम फॉरेन पॉलिसी कहते हैं ठीक है थीके? इसमें हमें बताया हुआ होता है कि हमारी कंट्री का अदर कंट्री के साथ कैसा रिलेशन होगा हम अदर कंट्री के इंटरनल अफेयर्स में कितना लिमिट तक कंट्रोल कर सकते कौन सी कंट्री हमारे इंटरनल अफेयर्स को कंट्रोल कर सकती है हम कौन से ब्लॉक का पार्ट होंगे ये सब चीज़ें किस में बताई हुई होती है ये सब चीज़ें हमें हमारी फॉरेन पॉलिसी में बताई हुई होती है सो so, हमने ये लास्ट लेक्चर में देखा था फिर हमने नेशनल इंटरेस्ट के बारे में पढ़ा था सो so, यहाँ पर हमें क्या बताया हुआ था दैट नेशनल इंटरेस्ट का मतलब क्या होता है द थिंग्स विच आर डन इन द फेवर ऑफ द नेशन मतलब कोई भी चीज़ जो हम करते हैं वो हमें किस लिए करनी चाहिए जिससे हमारी कंट्री का बेनिफिट हो हमें क्यों करनी चाहिए फॉर द बेनिफिट ऑफ द कंट्री सो यहाँ पर हमें यही बताया हुआ है दैट नेशनल इंटरेस्ट और फॉरेन पॉलिसी ये दोनों चीज़ें एक दूसरे से कनेक्टेड है क्या बताया हुआ है हमें दैट नेशनल इंटरेस्ट एंड फॉरेन पॉलिसी ये दोनों चीज़ें एक दूसरे के साथ में कनेक्टेड है नेशनल इंटरेस्ट हमारा गोल होता है ये हमने पिछली बार भी पढ़ा था दैट नैशनल इंटरेस्ट क्या होता है नेशनल इंटरेस्ट आइज़ आर गोल एंड फॉरन पॉलिसीज क्या होती है फॉरन पॉलिसीज़ आर द मीन्स टू अचीव इट दैट इज़ नेशनल इंटरेस्ट अगर हमारा गोल है तो उस गोल को अचीव करना तो उस टारगेट को अचीव करना वो हम किसके थ्रू करते हैं हम फॉरन पॉलिसी के थ्रू करते हैं फिर हमने ये भी देखा था दैट नैशनल इंटरेस्ट चेंज हो सकता है कंट्री के लिए क्या बेनिफिशियल है क्या नहीं है ये सब चीज़ें चेंज होती रहती है सो so, अगर नेशनल इंटरेस्ट चेंज हो सकता है तो उसके साथ साथ हमारी फॉरेन पॉलिसी भी चेंज हो सकती है सो so, यहाँ तक हमने अपने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था अब हम पढ़ने वाले हैं अबाउट द फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग द फॉरन पॉलिसी लास्ट लेक्चर में हमने क्या पढ़ा था अबाउट द ब्रीफ़ डिस्क्रिप्शन के फॉरेन पॉलिसी क्या होती है देन उसके बाद हमने देखा था कि नेशनल इंटरेस्ट और फॉरेन पॉलिसीज़ कैसे रिलेटेड है अब हम देखेंगे कि कौन से फैक्टर्स है जो फॉरेन पॉलिसी को अफेक्ट करते हैं। मतलब फॉरेन पॉलिसी जब हम बनाते हैं तो कौन सी कौन सी चीजें हमें ध्यान में रखनी चाहिए सो लेट स्टार्ट इट फॉरेन पॉलिसी डिसाइड वॉट काइंड ऑफ रिलेशन टू हैव विथ विच कंट्री इन द इंटरनेशनल सिस्टम बट सेवरल फैक्टर्स अफेक्ट फॉरन पॉलिसी वाइल इट इज़ बींग डिसाइडेड क्या दिया हुआ है यहाँ पे दैट फॉरन पॉलिसी से हम क्या डिसाइड करते हैं हम डिसाइड करते हैं कि हमारा अदर कंट्रीज़ के साथ में कैसा रिलेशनशिप होगा हम जब ग्लोबल uh, सिस्टम में होते हैं जब इंटरनेशनल सिस्टम में होते हैं तो हमारा हर कंट्री के साथ में कैसा रिलेशनशिप होगा ये किसके थ्रू डिसाइड होता है दिस इज़ डिसाइडेड थ्रू द फॉरेन पॉलिसी लेकिन फॉरेन पॉलिसी बनाने के लिए हमें बहुत सारे फैक्टर्स पर ध्यान देना होता है जिसमें हमारा सबसे पहला फैक्टर कौन सा आता है द जोग्राफिकल लोकेशन ऑफ द कंट्री सबसे पहला फैक्टर क्या आता है जोग्राफिकल लोकेशन इसका मतलब क्या होता है कि ग्लोब पर हमारी कंट्री कहाँ पर लोकेटेड है उसके दिस द पोजीशन ऑफ द कंट्री कि हमारी कंट्री कहाँ पर है ये फॉरेन पॉलिसीज़ बनाने में एक बहुत मेजर रोल प्ले करती है अगर हमारे नेबरिंग कंट्रीज़ ज़्यादा है तो उसके अकॉर्डिंगली हमें हमारे फॉरेन पॉलिसी को बनाना पड़ेगा अगर नेबरिंग कंट्रीज़ कम है तो हमारा फॉरेन पॉलिसी चेंज होगा अगर लैंड बाउंड्रीज़ है तो पॉलिसी डिफरेंट हो सकता है वाटर बाउंड्रीज़ है तो पॉलिसी डिफरेंट हो सकता है यू मस्ट हैव सीन द ग्लोब और मैप ऑफ द वर्ल्ड You can see the geographical location of any nation from that. Some countries are far away from the other countries, while there are several neighboring countries around some countries. Some nations have a long coastline, while some have plenty of mineral wealth. In some, the size, the population, topography, coastline, availability of natural resources. all these factors need to be considered while deciding the foreign policy of any country kya diya hua hai yahan pe hame that humne globe par dekha hai that certain countries jo hai wo isolated hoti hai isolated matlab मतलब उनके नेबर में कोई country नहीं होती नेबरिंग countries भी बहुत दूर दूर होती है सो so, अगर नेबरिंग कंट्रीज़ दूर है मतलब आसपास कोई country नहीं है तो foreign policy अलग तरीके का बनेगा अब जैसे India है आप देख सकते हो कि इंडिया की बहुत सारी नेबरिंग कंट्रीज़ है हमारी लैंड बाउंड्रीज़ भी बहुत सारी कंट्रीज़ के साथ शेयर हो रहे हैं हमारे पास वाटर बाउंड्रीज हमारी कोस्ट लाइन भी बहुत लंबी है सो so, ये सब चीज़ें मतलब हम कहाँ पर है हमारे पास कितने रिसोर्सेस है अगर हमारे पास सपोज़ ज़्यादा रिसोर्सिस हैं तो हमें उन रिसोर्सिस को अदर नेशन्स को सप्लाई करना होगा सो so, हमारा फॉरन पॉलिसी अलग होगा अगर हमारे पास रिसोर्स नहीं है तो हमारा पॉलिसी अलग होगा सो यहाँ पर हमें वही बताया हुआ है दैट हमारे लैंड बाउंड्रीज़ कितनी है हमारा कोस्ट लाइन कितना लंबा है हमारे नेबर में कितनी कंट्रीज़ होती है हमारे पास रिसोर्स कितने हैं ये सब चीज़ें फॉरेन पॉलिसी बनाते टाइम पर हमें कंसिडर करनी पड़ती है इन सब चीज़ों को ध्यान में रखकर हम अपनी फॉरेन पॉलिसीज़ फ्रेम करते हैं ठीक है थीके? सो ये पहला था हमारा अबाउट द जोग्राफिकल लोकेशन अब दूसरा आता है हमारा अबाउट द पॉलिटिकल सिस्टम पहला समझाना क्या दिया हुआ है यहाँ पे अबाउट द जोग्राफिकल लोकेशन मतलब हमारी कंट्री कहाँ पर है हमारी कंट्री का साइज क्या है पॉपुलेशन कितना है कोस्ट लाइन कितनी बड़ी है लैंड बाउंड्रीज कितनी बड़ी है हमारे पास नेचुरल रिसोर्सेज कितने हैं हमारा एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन कितना होता है ये सब चीज़ें हमारी पॉलिसीज़ बनाने में इंपॉर्टेंट होती है ठीक है अब नेक्स्ट हमारा पार्ट आता है अबाउट द पॉलिटिकल सिस्टम देखते हैं कि कंट्री का पॉलिटिकल सिस्टम कैसे फॉरेन पॉलिसी बनाने में इम्पोर्टेंट है इन अ डेमोक्रेटिक पॉलिटिकल सिस्टम द नेशंस पार्लियामेंट प्लेज अ मेजर रोल इन इन्वॉल्विंग फॉरेन पॉलिसी व्हेन डिफरेंट एस्पेक्ट्स कम अप फॉर डिस्कशन इन पार्लियामेंट द अपोजिशन पार्टीज ट्राई टू रेगुलेट द फॉरन पॉलिसी बाई रेजिंग क्वेश्चन अबाउट द सेम

सेकेंड पॉइंट में हमें क्या दिया हुआ है कि कंट्री का जो पॉलिटिकल सिस्टम है वो भी फॉरेन पॉलिसीज़ बनाने में बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है क्या बताया हुआ है यहाँ पे दैट कंट्री का जो पार्लियामेंट है कंट्री का जो पॉलिटिकल सिस्टम है इट प्लेज़ अ मेजर रोल इन डिसाइडिंग फॉरेन पॉलिसीज़ ऑफ द कंट्री नाउ स्पेशली ये कब होता है जब uh, कोई भी कंट्र कोई भी स्टेट किसी भी अदर कंट्री से सराउंडेड है जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर हम देखेंगे तो बांग्लादेश का नेबरिंग कंट्री कौन सा है सॉरी वेस्ट बंगाल का जो नेबरिंग कंट्री है वो कौन सा है बांग्लादेश ठीक है फिर अगर हम देखेंगे तो आ, राजस्थान देन सम पार्ट ऑफ पंजाब ये सब लोग आप देख सकते हो कि पाकिस्तान के साथ बाउंड्री शेयर करते हैं फिर आप देख सकते हो कि नेपाल एंड सर्ट पार्ट ऑफ उत्तर प्रदेश ये लोग बिहार के साथ ये लोग नेपाल के साथ बाउंड्री शेयर करते हैं है ना बिहार का सर्ट पार्ट और ये सब चीज़ें किसके साथ बाउंड्री शेयर करती है नेपाल के साथ बाउंड्री शेयर करती है श्रीलंका जो है तमिलनाडु जो है वो श्रीलंका के साथ बाउंड्री शेयर करता है मतलब कुछ स्टेट्स ऐसे हैं जो लोग अदर कंट्रीज़ के साथ बाउंड्री शेयर करते हैं सो so जब हम फॉरेन पॉलिसीज़ बनाते हैं तो उस टाइम पर हमें इन स्टेट्स के पॉइंट को कंसिडर करना पड़ता है इटिंग अगर आप कोई फॉरेन पॉलिसी बना रहे हो तो आपको तमिलनाडु वेस्ट बंगाल पंजाब हरियाणा फिर बिहार ये सब कंट्रीज़ का ये सब स्टेट्स के पॉइंट्स को कंसिडर करना पड़ता है क्योंकि आपकी फॉरेन पॉलिसी जो है वो इन स्टेट्स को अफेक्ट करेगी प्लस अगर सपोज़ बाजू की कंट्री में कुछ हुआ सपोज़ अगर बांग्लादेश में कुछ होता है तो उसका इफेक्ट कहाँ पर पड़ेगा अगर बांग्लादेश में कुछ हुआ तो उसका अफेक्ट वेस्ट बेंगाल पर पड़ेगा तो जब भी आप फॉरन पॉलिसीज़ बनाते हो तो उस टाइम पर आपको इन सब चीज़ों को कंसिडर करना पड़ता है ठीक है सो अपना सेकेंड पॉइंट क्या था अबाउट द पोलिटिकल सिस्टम ऑफ द कंट्री वेन एवर यू मेक द फॉरन पॉलिसीज़ आपको क्या ध्यान रखना पड़ता है यू हैव टू के यू हैव टू कंसिडर कि आपकी फ़ॉरन पॉलिसी का इफ़ेक्ट नेबरिंग कंट्रीज़ पर क्या पड़ेगा और नेबरिंग कंट्रीज़ की वजह से आपके अपने स्टेट्स को उसका क्या अपने स्टेट्स पर क्या इफेक्ट पड़ना है सो so, हमें सारे स्टेट्स की बातों को कंसिडर करना पड़ता है वेल वी आर मेकिंग द फॉरन पॉलिसी तो ये दूसरा पॉइंट था पहला हमने क्या देखा दैट कंट्री का जो लोकेशन है कंट्री का जो साइज़ है वो सब फॉरेन पॉलिसी पर इफेक्ट करता है दूसरा कंट्री का जो पॉलिटिकल सिस्टम है उससे भी हमारी फॉरेन पॉलिसीज़ पर इफेक्ट पड़ता है अब थर्ड आता है अबाउट द इकोनॉमी ऑफ द कंट्री थर्ड कौन सा है ज अबाउट द इकोमी ऑफ द कंट्री तो देखते है कि कैसे इकोनॉमी अफेक्ट करती है इन मॉडर्न टाइम्स इकोनॉमिक कंडीशन ऑफ एनी कंट्री एक्वायर्ड हेज एक्वायर्ड द ग्रेट इम्पॉर्टेंस इन डिसाइडिंग फॉरन पॉलिसी एज अ रिजल्ट द इकोमी इम्पैक्ट फॉरन पॉलिसीज इन टू वे फॉरन पॉलिसीज शेप बाय द नीड टू एस्टेब्लिश इकोनॉमिक रिलेशन विद अदर कंट्रीज import, export, participation in world trade, all aimed at strengthening the economy of the country. in today's world, the issue of economic security are as important as national security. a country is recognized to be powerful in proportion to the economic security it has. it enjoys. countries having a strong economy are less dependent on others, and they can have an independent foreign policies as well. अच्छा अभी यहाँ पे क्या दिया हुआ है कि आज के टाइम पर इकोनॉमी दैट इज़ मनी पोजीशन क्या है कंट्री का कंट्री मॉनेटरीली कितनी स्ट्रांग है ये सब चीज़ें भी हमारी फॉरेन पॉलिसी पर अफेक्ट करती है जैसे सपोज अगर एक कंट्री इकोनॉमिकली स्ट्रॉग है इकोनॉमिकली स्ट्रांग है मतलब मनी वाइज पावरफुल है तो वो कंट्री को किसी भी चीज़ पर डिपेंड करने की ज़रूरत नहीं है Think, अगर आप मॉनेटरीली स्ट्रॉन्ग हो तो क्या होगा आपको किसी दूसरी कंट्री पर डिपेंड करने की ज़रूरत नहीं है सो so, कंट्री का जो इकोनॉमिक कंडीशन है वो भी कंट्री के फॉरेन पॉलिसीज डिसाइड करने में एक मेजर रोल प्ले करता है अब ये टू वेज में इफ़ेक्ट करता है सबसे पहला कंट्री का इकोनॉमिक कंडीशन डिसाइड करता है कि हमारा इंपोर्ट एक्सपोर्ट रिलेशनशिप कैसा होगा अगर हम वीक है तो हमें क्या करना पड़ेगा इम्पोर्ट एक्सपोर्ट्स के लिए सामने वाली कंट्री ने जैसी पॉलिसीज़ बनाई है उस पर डिपेंड करना पड़ेगा अगर हमें अपने आप को स्ट्रेंदन करना है स्ट्रॉन्ग करना है तो उसके लिए हमें क्या करना होगा हमें अपनी कंट्री की इकोनॉमिक कंडीशन को बेटर करना पड़ेगा अगर आपकी कंट्री इकोनॉमिकली स्ट्रॉन्ग है तो आप इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी भी बना सकते हो इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी का मतलब आपको दूसरी कंट्री के डिसीजंस पर डिपेंड करने की ज़रूरत नहीं है यू कैन डिसाइड कि आपको कौन सी कंट्री के साथ ट्रेड करना है किसके साथ नहीं करना और ये कब होता है जब आप इकोनॉमिकली स्ट्रांग होते हो अगर आप वीक हो तो फिर आपको सबके साथ ट्रेड करना पड़ेगा ताकि मनी आए बट अगर आप स्ट्रांग हो तो यू कैन डिसाइड कि आपको कौन सी कंट्री के साथ ट्रेड करना है कौन से टर्म्स एंड कंडीशंस पर ट्रेड करना है ठीक है सो यहाँ पर क्या दिया हुआ है दैट फॉरेन पॉलिसीज़ इम्पोर्ट एक्सपोर्ट रिलेशनशिप्स बताती है कि हम क्या एक्सपोर्ट करेंगे क्या इम्पोर्ट करेंगे हमारा टर्म्स एंड कंडीशंस क्या होगा वर्ल्ड ट्रेड में हमारा क्या रोल होगा ये हम कैसे डिसाइड करते हैं फॉरेन पॉलिसी के थ्रू कैसे डिसाइड होता है फॉरेन पॉलिसी के थ्रू हम डिसाइड करते हैं कि हम वर्ल्ड ट्रेड में क्या रोल प्ले करेंगे हम एक्सपोर्ट इम्पोर्ट्स कितना करेंगे एंड दूसरा क्या दिया हुआ है यहाँ पे दैट आज के टाइम पर इकोनॉमिक सिक्योरिटी उतनी ही इंपॉर्टेंट है जितनी नेशनल सिक्योरिटी ठीक है आपका कंट्री जो है वो इकोनॉमिकली स्ट्रॉन्ग होना चाहिए मतलब आपका डिफेंस भी स्ट्रॉन्ग होना चाहिए साथ एंड साथ में आपकी कंट्री का आपकी कंट्री मनी वाइज भी स्ट्रांग होनी चाहिए अगर ये दोनों चीज़ें हैं तो आप लोग सिक्योरिटी इन्जॉय करोगे आपकी कंट्री जो है वो डिसाइड कर पाएगी कि उनको अपनी फॉरेन पॉलिसीज़ में क्या क्या पॉइंट्स रखने हैं सो दिस वाज द थर्ड पॉइंट तीन पॉइंट्स अब तक पढ़े हमने पहला कंट्री का जोग्राफिकल लोकेशन डिसाइड करता है कि कंट्री की फॉरेन पॉलिसीज़ क्या होगी कंट्री का पॉलिटिकल सिस्टम फॉरेन पॉलिसीज़ डिसाइड करने में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है पार्लियामेंट प्लेज एन वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन डिसाइडिंग द फॉरन पॉलिसीज ऑफ द कंट्री फिर तीसरा कंट्री की इकोनॉमी कि आप कितने स्ट्रोंग हो मनी वाइज आप कितने स्ट्रेंथ में हो मनी वाइज आपकी कंट्री कितनी स्ट्रांग है ये चीज़ें भी आपकी फॉरेन पॉलिसी को इम्पैक्ट करती है अगर आप मोनिटरीली स्ट्रांग हो मनी वाइज अगर आप स्ट्रांग हो तो आप इंडिपेंडेंटली अपनी फॉरन पॉलिसी डिसाइड कर सकते हो ठीक है नेक्स्ट आता है नेशनल लीडरशिप नेक्स्ट पॉइंट क्या है अपना नेशनल लीडरशिप देखते हैं इसमें क्या दिया है हमें द प्रेसिडेंट द प्राइम मिनिस्टर द फॉरेन मिनिस्टर द डिफेंस मिनिस्टर द फाइनेंस मिनिस्टर एंड द होम मिनिस्टर हैव हैव अ अ रोल इन डिसाइडिंग फॉरेन पॉलिसी The person holding this position tried to maintain the, maintain the continuity in foreign policy and to improve upon it. For example, Pandit Jawaharlal Nehru contributed the, of non, uh, uh, contributed the policy of non alignment to India's foreign policy. Prime Minister Atal Bihari Vajpayee contributed a great deal to improve Sino Indian relations. What is कंट्री का फॉरेन पॉलिसी जो है वो कैसा होगा वो कैसे भी डिसाइड होता है बाय दी लीडर्स कैसे डिसाइड होता है लीडर्स भी इसमें इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं अब जैसे कंट्री का प्रेसिडेंट जो लोग इंपॉर्टेंट लोग हैं इम्पॉर्टेंट कौन कौन है कंट्री का जो प्रेसिडेंट है कंट्री का प्राइम मिनिस्टर जो फॉरेन मिनिस्टर है अभी फॉरेन पॉलिसी है तो फॉरेन मिनिस्टर इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगे कंट्री का डिफेंस मिनिस्टर क्योंकि हमने देखा था कि कंट्री का सिक्योरिटी जो है वो सबसे ज़्यादा जरूरी है तो कंट्री का डिफेंस मिनिस्टर कंट्री का फाइनेंस मिनिस्टर एंड फाइनली कंट्री का होम मिनिस्टर ये कुछ इंपॉर्टेंट लोग हैं एंड ये लोग मिलकर डिसाइड करते हैं कि हमारा फॉरेन पॉलिसी कैसा होगा कौन कौन द प्रेसिडेंट ऑफ द कंट्री कौन कौन है द प्रेसिडेंट ऑफ द कंट्री द प्राइम मिनिस्टर द फॉरेन मिनिस्टर द डिफेंस मिनिस्टर द फाइनेंस मिनिस्टर एंड द होम मिनिस्टर दिस आर सर्टन इम्पॉर्टेंट मिनिस्टर्स जो डिसाइड करते हैं कि इंडिया का फॉरेन पॉलिसी कैसा होगा ये लोग क्या करते हैं वेरी फर्स्टली जो हमारा फॉरेन पॉलिसी बना हुआ है उसी को कंटिन्यू करते हैं क्या करते हैं जो हमारा फॉरेन पॉलिसी बना हुआ है उसी पॉलिसी को वो लोग कंटिन्यू करते हैं एंड अगर सिचुएशन जैसी है उस सिचुएशन के हिसाब से फॉरेन पॉलिसीज के अंदर इम्प्रूवमेंट भी किया जाता है गटिंग क्या बोला मैंने यहाँ पे दैट ये लोग डिसाइड करते पहली बात तो ये सब इम्पॉर्टेंट पर्सनालिटीज है ये लोग डिसाइड करते हैं कि कंट्री का फॉरेन पॉलिसी कैसा होगा ठीक है वेरी फर्स्ट थिंग ये लोग कंटिन्यू करते हैं जो भी फॉरेन पॉलिसी बना हुआ है उसको एंड अगर सपोज़ कुछ इम्प्रूवमेंट लेकर आने क्योंकि हमें पता है कि सिचुएशन कंटिन्यूसली चेंज होती रहती है अगर सिचुएशन कंटिन्यूसली चेंज हो रही है तो इम्प्रूवमेंट लाना भी ज़रूरी है सो so, अगर कुछ इम्प्रूवमेंट रिक्वायर्ड होता है तो ये लोग इन फॉरेन पॉलिसी के अंदर इम्प्रूवमेंट भी लेकर आते हैं जैसे हमने हिस्ट्री में पढ़ा था कि जवाहरलाल नेहरू ने नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट स्टार्ट किया था उन्होंने अपनी फॉरेन पॉलिसी में क्या लिखा था अबाउट द नॉन अलाइनमेंट हमने देखा था ना दैट वर्ल्ड जो है वो दो ब्लॉग्स में डिवाइड हो रहा था एक रशिया का ब्लॉग और एक अमेरिका का ब्लॉग तो उस टाइम पर हमारे जो प्राइम मिनिस्टर थे उन्होंने क्या बोला था दैट हम दोनों में से कोई भी ब्लॉग ज्वाइन नहीं करेंगे मतलब हमने अपनी फॉरेन पॉलिसी में इम्प्रूवमेंट किया और वो इम्प्रूवमेंट क्या था नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट को जॉइन किया था फिर अटल बिहारी वाजपेई जी ने आ, सिनो इंडियन रिलेशनशिप्स को इम्प्रूव करने के लिए भी अपने कॉन्ट्रीब्यूशन दिए थे सो तो यहाँ पर क्या बताया है कि ये लोग नेशनल लीडर्स जो है ये डिसाइड करते हैं कि फॉरेन पॉलिसी कैसा होगा एंड साथ साथ में अगर कुछ इम्प्रूवमेंट की जरूरत होती है क्योंकि सिचुएशन के हिसाब से हमें इम्प्रूवमेंट चाहिए होते हैं सो तो अगर कुछ इम्प्रूवमेंट रिक्वायर्ड है तो ये लोग इम्प्रूवमेंट्स भी करते हैं ठीक है थीके? फिर हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है एडमिनिस्ट्रेटिव इफेक्ट हम लोगों ने चार फैक्टर्स देखे जोग्राफिकल लोकेशन मतलब कंट्री का शेप साइज पॉपुलेशन रिसोर्सेस ये सब डिसाइड करते हैं कि व्हाट विल बी द फॉरेन पॉलिसी ऑफ द कंट्री कंट्री का पॉलिटिकल सिस्टम कंट्री की अपोजिशन पार्टी पार्लियामेंट ये लोग डिसाइड करते हैं कि ये लोग भी एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं फिर कंट्री का इकोनॉमिक कंडीशन कि कंट्री कितना मॉनेटरीली स्ट्रॉन्ग है इसका इफेक्ट भी हमारी फॉरेन पॉलिसी पर होता है कंट्री के जो लीडर्स हैं द प्रेसिडेंट द प्राइम मिनिस्टर ये लोग सब भी डिसाइड करते हैं कि कंट्री का फॉरेन पॉलिसी कैसा होगा इफ इम्प्रूवमेंट रिक्वायर्ड होते हैं तो ये लोग फॉरेन पॉलिसी के अंदर इम्प्रूवमेंट भी करते हैं ठीक है अगला आता है अभी हमारा एडमिनिस्ट्रेटिव फैक्टर्स अगला पॉइंट क्या है अबाउट एडमिनिस्ट्रेटिव फैक्टर्स मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर फॉरेन सेक्रेटरी एम्बेसीज इन डिफरेंट कंट्रीज diplomatic officers, etc., are the administrative factors involving in creating foreign policy. even though the final decisions about the foreign policies are taken by the prime minister and the minister of external affairs, the administrative machinery helps to arrive at the decision. the administrative officers collect information needed to shape the foreign policy, analyze it,

इवन वो लोग भी फॉरेन पॉलिसीज बनाने में अपना कंट्रीब्यूशन देते हैं ठीक है थीके? जैसे अभी फॉरन uh, एम्बेसीज है जो इंस्टीट्यूट है जो इंडियन इंस्टीट्यूट फॉरेन कंट्रीज में सेटअप है वो लोग डील करते हैं है ना मतलब एडमिनिस्ट्रेटिव फैक्टर्स में क्या आएगा इसमें वो सब लोग आएंगे इसमें वो सब ऑफिसर्स आएंगे जिनको एक्चुअल में फॉरेन कंट्रीज़ के साथ में डील करना पड़ता है ठीक है समझा क्या बोला मैंने यहाँ पे दैट एडमिनिस्ट्रेटिव फैक्टर्स मैनेजमेंट फैक्टर्स में वो सब लोग आएंगे जो फॉरेन कंट्रीज़ के साथ डील करते हैं ठीक है इसमें जो एक्सटर्नल मिनिस्ट्री है वो आएगी जो फॉरेन मिनिस्टर है जो फॉरेन सेक्रेटरी है वो लोग आएंगे जो एम्बसीज है वो लोग इसके अंदर इंक्लूड होंगे जो ऑफिसर्स है जो लोग पर्सनली अदर कंट्रीज के साथ डील करते हैं वो सब इसमें अपना कॉन्ट्रीब्यूशन देंगे दो फाइनल डिसीजन प्राइम मिनिस्टर ही लेगा कि फॉरेन पॉलिसी कैसी बननी चाहिए उसका फाइनल डिसीजन कौन लेता है एक तो प्राइम मिनिस्टर और एक मिनिस्टर ऑफ एक्सटर्नल अफेयर ये दो लोग ही है जो फाइनल डिसीजंस लेते हैं लेकिन डिसीजन लेने से पहले ये लोग बाकी सब ऑफिसर्स को पूछते हैं इनसे इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं एंड इनके इंफॉर्मेशन के बेसिस पर फॉरेन पॉलिसी डिसाइड की जाती है सो दिस वेर दी फाइव फैक्टर्स जो हमारी फॉरेन पॉलिसी बनाने में इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते कौन से कौन से फाइव फैक्टर्स है जोग्राफिकल लोकेशन रिपीट करो मेरे साथ साथ में पहला था जोग्राफिकल लोकेशन दैट इज कंट्री का शेप साइज पॉपुलेशन रिसोर्सेस ये सब डिसाइड होंगे ये सब फैक्टर्स इफेक्ट करेंगे फिर दूसरा क्या था पॉलिटिकल सिस्टम कंट्री का पार्लियामेंट क्या है अपोजिशन पार्टीज क्या रोल प्ले कर रही है इन सब चीज़ों से भी डिसाइड होगा अबाउट द फॉरेन पॉलिसी ऑफ द कंट्री कंट्री का इकोनॉमिक कंडीशन कैसा है मोनिटरीली कंट्री स्ट्रॉन्ग है या वीक है ये सब फैक्टर्स भी इम्पॉर्टेंट है देन उसके बाद नेशनल लीडरशिप हमारे लीडर्स क्या डिसाइड करते हैं प्राइम मिनिस्टर और सब क्या डिसाइड करते हैं इस पर भी हमारी फॉरेन पॉलिसी बेस्ड है एंड फाइनली जो लोग मैनेज करते हैं जो, लो है, जो लोग मैनेजमेंट में आते हैं जो लोग एक्चुअल में डीलिंग करते हैं विद द फॉरेन कंट्रीज उनका कॉन्ट्रीब्यूशन भी है इन डिसाइडिंग द फॉरन पॉलिसी सो यहाँ पे हमारे फैक्टर्स ख़त्म होते हैं अब अगले लेक्चर में हम पढ़ेंगे अबाउट द इंडियाज़ फॉरन पॉलिसी हम देखेंगे कि हमारी फॉरन पॉलिसी क्या है हम अदर कंट्रीज़ के साथ कैसे रिलेशनशिप्स रखते हैं थैंक यू स्टूडेंट्स